तो दोस्तों आज हम सीखेंगे जीमेल करना सीखेंगे। जीमेल हम कंप्यूटर से या पीसी से या ऑनलाइन कैसा करना है वो सीखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमें यहाँ पे एक जीमेल दिखेगा। सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना है, उसके बाद हमें जीमेल में जाना है, जीमेल पे क्लिक करना है। जीमेल में क्लिक करने के बाद जीमेल ओपन हो रहा है। जीमेल ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनबॉक्स दिखेगा। आप जो भी मेल आपको आएगा जब आप ईमेल जनरेट करोगे, तब उसके बाद आपको गूगल की तरफ से बहुत सारे मेल आते हैं। जब आप वो मेल को यूज़ करेंगे तो जो मेल आपको आएंगे वो यहाँ पे आपको इनबॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट मेल, जो आपकी इम्पोर्टेंट मेल होगा उसे आप स्टार करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप सेंड आइटम, जो भी आपने मेल किसी को भेजा है वो सारे मेल आप यहाँ पे एक क्लिक करने के बाद चेक, यहाँ पे आपको शो होगा आपने किस किस को मेल भेजा है। जो मेल आप किसी को भेजना चाहते हो बट आप वो मेल भूल जाते हो भेजना, तो वो मेल ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट, चार्ट, शेड्यूल, मेल को शेड्यूल कर सकते हैं, ऑल मेल देख सकते हैं। आपको स्पैम रिलेटेड मेल भी यहाँ पे दिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो स्पैम रिलेटेड मेल दिखेगा। यहाँ पे मेरा ये न्यू ईमेल आईडी, इसलिए कोई मेल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और जो भी मेल आप डिलीट करोगे अपने जीमेल अकाउंट से, तो वो मेल यहाँ पर आपको डिलीट यहाँ पे बिन में दिखेगा। तो अब हम देखेंगे मेल कैसा जनरेट करते हैं। जब भी हमें किसी को मेल करना है, सिंपली यहाँ पर हमें कंपोज पे क्लिक करना है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें जिसे भी मेल भेजना है उसका नाम यहाँ पर आएगा। टू में यहाँ पर मुझे जिसे मेल भेजना है उसका मैं यहाँ पे ईमेल टाइप करूँगा, टिप्स ट्रिक एट gmail.com। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लीव चाहिए, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में जो हम जिसके लिए मेल भेज रहे हैं उसका हमें यहाँ पर नाम लिखना है शॉर्ट में। यहाँ पर मुझे जिसे मेल भेजना है वो टू में हम रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टिप्स ट्रिक्स 222@gmail.com। यहाँ सब्जेक्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे फॉर लीव एप्लीकेशन, फॉर लीव एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो सर, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, उसके बाद हम यहाँ पर लिव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ग्रीटिंग्स के बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप करना है हमारा। आई नीड 2 days ऑफ लीव प्लीज अप्रूव माई लीव। यहाँ पर हमने लिखा है मुझे 2 दिन की लीव चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली रिगार्ड्स करेंगे। रिगार्ड्स के नीचे हम यहाँ पर रिगार्ड्स एंड थैंक यू लिख सकते हैं आप, रिगार्ड्स एंड थैंक्स, थैंक्स। और उसके बाद हम यहाँ पर हमारा नाम लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दिखेगा। आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं,
यहाँ पर हमको अटैच फाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से हम कुछ फाइल अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको लीव चाहिए, तो हम लीव के लिए क्यों लीव चाहिए, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट हमें सबमिट करना है, तो हम उसे अटैचमेंट में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम वो जो हमारा जो सर्टिफिकेट रहेगा वो हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर, तो हम सेव करके रखेंगे, बाद में उसे अटैचमेंट में अटैच कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि अटैचमेंट कैसा करना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये मेरा अटैचमेंट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे मैं ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरा एक अटैचमेंट ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अटैच फाइल्स भी दिखेगा, आप लिंक भी अटैच कर सकते हैं, इमोजी भी ऐड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव भी है यहाँ पर। सो इस तरीके फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना है, जब आप सेंड करोगे तो मेल सेंड हो जाएगा। सो आज के लेसन में हमने ये सीखा है कि मेल कैसा हम भेजेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ शेयर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।